2023 शुरू हो चुका है और साथ ही बांग्लादेश की परेशानियां भी भारत ने इस साल के शुरू होते ही बढ़ा दी हैं। हमने पहले भी इस बात पे काफी जोर दिया था कि चाइना के नक्शे कदम पे चलते हुए अब बांग्लादेश भी भारत में एक ऐसे प्रोडक्ट की डंपिंग करना शुरू कर चुका है जिसके प्रोडक्शन को लेके भारत पहले एक विश्व गुरु बना हुआ था, लेकिन कम लेबर कॉस्ट की वजह से बांग्लादेश अब न केवल भारत को इसमें टक्कर दे रहा है बल्कि अब धीरे धीरे भारत के खुद के मार्केट को बर्बाद करने में लगा हुआ है। लेकिन भारत ने बांग्लादेश के हिसाब किताब पे अब रोक लगा दी है। व्हाट्सअप गाइज, अस्सलाम वालेकुम, अपना रखे मन आसिन, आशा करू सबाई भलो आसिन, हमें जिनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल, हमें अपना दर जुनो आगती वीडियो प्ले करती जाचे सबाई देखबिन, आशा करू सबाई देखबिन भलो लगबे। 2023 का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश के लिए परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। ये मैं नहीं बल्कि भारतीय मीडिया कह रहा है, भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है कि अब एक दफा फिर बांग्लादेश के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है और 2023 के आगाज के साथ ही भारत ने बांग्लादेश के लिए परेशानी बढ़ा दी है। ये बात की जाती है कि भारत बांग्लादेश का दोस्त है, दोस्त नहीं है, दोस्त के चेहरे में छुपा हुआ दुश्मन है, क्योंकि 2023 का आगाज होते ही अब भारत को यह भी अजम नहीं होता कि बांग्लादेश ज्यादा बिजनेस करे, बांग्लादेश ज्यादा काम करे और बांग्लादेश से बनी चीजें भारत में आकर बिके जिसकी दौलत बांग्लादेश कमाए। आज भारत आज भी चाहता है कि बांग्लादेश भारत से आगे ना निकले और भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है, भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है कि 2023 आते ही भारत ने बांग्लादेश की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बांग्लादेश के लिए वसाइल बढ़ा दिए हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, क्या बात कर रहा है भारतीय मीडिया। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। 2023 शुरू हो चुका है और साथ ही बांग्लादेश की परेशानियां भी भारत ने इस साल के शुरू होते ही बढ़ा दी हैं। हमने पहले भी इस बात पे काफी जोर दिया था कि चाइना के नक्शे कदम पे चलते हुए अब बांग्लादेश भी भारत में एक ऐसे प्रोडक्ट की डंपिंग करना शुरू कर चुका है जिसके प्रोडक्शन को लेके भारत पहले एक विश्व गुरु बना हुआ था, लेकिन कम लेबर कॉस्ट की वजह से बांग्लादेश अब न केवल भारत को इसमें टक्कर दे रहा है बल्कि अब धीरे धीरे भारत के खुद के मार्केट को बर्बाद करने में लगा हुआ है। लेकिन भारत ने बांग्लादेश के हिसाब किताब पे अब रोक लगा दी है। जूट के प्रोडक्शन में भारत अभी भी दुनिया में पहले नंबर पे आता है और हर साल भारतीय जूट मिल्स 19,68,000 टन जूट का प्रोडक्शन करती हैं, वहीं बांग्लादेश हर साल 13,49,000 टन जूट प्रोड्यूस करता है। भारत एक बड़ा प्रोड्यूसर होने के अलावा जूट का एक बड़ा मार्केट भी है और यही वजह है कि बांग्लादेश 2017 से पहले तक जूट की डंपिंग अपने खुद के मार्केट रेट से भी कम कीमतों में भारत में कर रहा था। 2017 में जब भारतीय जूट मिल्स की शिकायत सामने आई तो पता चला कि बांग्लादेश ऑलरेडी सेक्टर को एक भारी नुकसान पहुंचा चुका था, इसलिए 2017 में बांग्लादेशी जूट पे 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई जो 31 दिसंबर 2022 तक खत्म होने वाली थी। बांग्लादेश इस उम्मीद में था कि इस ड्यूटी के खत्म होते ही फिर से भारतीय मार्केट को बांग्लादेशी जूट से भर दिया जाएगा, लेकिन भारतीय सरकार कुछ और ही सोच के बैठी थी। 2022 का साल तो खत्म हो गया लेकिन जूट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 सालों के लिए फिर से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 28 जून 2022 को भारत की DGTR यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने बांग्लादेशी जूट को लेकर एक रिव्यू शुरू किया था। इस रिव्यू के बाद अक्टूबर में इसकी एक रिपोर्ट भारतीय सरकार को सौंप दी गई थी। ये खबर जब बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर को मिली तब उन्होंने भारत की एक यात्रा प्लान की जिसमें उन्होंने भारतीय ऑफिशियल्स के सामने इस ड्यूटी को खत्म करने की एक रिक्वेस्ट पेश की, पर इस रिक्वेस्ट को भारतीय साइड से खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से पहले बांग्लादेश भारत को करीबन 1.5 लाख टन जूट का एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस ड्यूटी के लगते ही एक्सपोर्ट केवल 35,000 टन पे ही रुक गया है। आपको बता दें कि अभी भी बांग्लादेशी जूट मिल्स के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है क्योंकि दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा जूट का कंजम्पशन भारत में किया जाता है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच फ्री ट्रेड की वजह से ऑलरेडी टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में भारत पिछड़ चुका है और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भारत का नंबर आज 5वें नंबर पे आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना और दूसरा है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन द्वारा चाइना पर लगे प्रतिबंधों की वजह से बहुत से चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने अपना बेस बांग्लादेश को बना लिया है। वहीं बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स को यूरोपियन देशों में कुछ भी बेचने के लिए कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। अब ये हो रहा है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स एक बड़ी क्वांटिटी में बांग्लादेश में टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन करके यूरोपियन देशों में ड्यूटी फ्री टेक्सटाइल्स बेच पा रहे हैं और इसमें चाइना के अलावा बांग्लादेश का भी काफी बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है। खैर देर से ही सही, पर हाल ही के कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक भारतीय सरकार टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक दूसरी PLI जल्दी ला सकती है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसी PLI तभी असर दिखा सकती है जब बांग्लादेशी टेक्सटाइल्स पे कुछ हद तक रोक लगाई जाए। भारतीय सरकार द्वारा उठाए इस कदम की अगर आप भी सराहना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखी कि भारतीय मीडिया कितने गरूर के साथ ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर
2022 के लास्ट में ये एंटी डंपिंग ड्यूटी खत्म होनी थी, लेकिन 2023 के आगाज के साथ ही भारत ने एक दफा फिर बांग्लादेश के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, जिससे बांग्लादेश की मुसीबतें मजीद बढ़ गई हैं। और भारत ऐसा कर रहा है, भारत वो भारत जो बांग्लादेश को अपना दोस्त कहता है, वो भारत जो बांग्लादेश को अपना भाई कहता है, वो बांग्लादेश के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, वो बांग्लादेश के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है। और पहले 5 साल के ख़त्म होने के बाद 2023 के आगाज़ के साथ ही 5 साल के लिए फिर से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। अब भारत को ये भी हजम नहीं है कि बांग्लादेश अपनी प्रोडक्ट को भारत के अंदर बेच सके, और बांग्लादेश आज भी दुनिया में नंबर वन है जूट के हवाले से, और आज भी भारत बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है, आज भी भारत बांग्लादेश के बिजनेस के ख़िलाफ़ है, आज भी भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश पीछे रहे, हमसे आगे ना निकले, आज भी भारत सस्ते दामों बांग्लादेश से जूट खरीदने के बजाय भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है महंगी कास्ट के ऊपर बेचने पर मजबूर है, लेकिन बांग्लादेश को आगे निकलने नहीं देगा, बांग्लादेश की तरक्की कभी हजम नहीं होगी, और बांग्लादेश को हमेशा नीचा दिखाने के लिए ऐसे इकदाम भारत ने पहले भी किए हैं, आज भी कर रहा है और आने वाले टाइम पे मजीद और करेगा। लेकिन आज भी बांग्लादेश को समझना चाहिए कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। आज हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ ट्रेड की, आज हम बात करते हैं कि बांग्लादेश से चीजें पाकिस्तान में आए, सस्ते दामों आए, आवाम को फायदे हों। हमारी हुकूमतों को चाहिए कि मिलकर ऐसे इकदाम करें जिससे पाकिस्तान की मार्केट को और बांग्लादेश की मार्केट को फ़ायदा हासिल हो। आज हम लोग ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे हों, पाकिस्तान के साथ ट्रेड अच्छी हो। पाकिस्तान में भी जूट की बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान को ज़रूरत है, लेकिन आज बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ना होने की वजह से पाकिस्तान को महंगे दामों जूट की ये प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती है। लेकिन बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के साथ ही हमें वो चीज़ें सस्ते दामों भी मिलेंगी। लेकिन आज भारतीय मीडिया बांग्लादेश के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी के हक में है और ये आवाज़ उठाता रहता है कि बांग्लादेश भारत की मार्केट को नुकसान पहुंचा रहा है और बांग्लादेश आगे निकलता जा रहा है भारत से और भारत पीछे रहता जा रहा है। आज यही वजह है कि भारत को बांग्लादेश की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।